हे गाइस, आप देख रहे हैं फिफ्थ न्यूज़। आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। जवान के ट्रेलर ने आग ऐसी लगाई कि मज़ा आ गया दोस्तों। डर का माहौल बना दिया है, सभी डर चुके हैं क्योंकि ऐसा ट्रेलर है कि सभी की फट चुकी है। शाहरुख खान ने इतनी बड़ी स्केल पे एक्शन फिल्म बना दी है, एकदम प्रॉपर ट्रेलर दे दिया है जिसमें एक्शन दिख रहा है, ड्रामा दिख रहा है, इमोशन दिख रहा है, स्टोरी दिख रहा है, कॉमेडी दिख रहा है, थ्रिल दिख रहा है, रिवेंज दिख रहा है, एक्टिंग दिख रहा है, बीजीएम दिख रहा है, सिनेमाटोग्राफी दिख रहा है, कलर ग्रेडिंग दिख रहा है, फोटोग्राफी दिख रहा है, सब कुछ वर्ल्ड क्लास का दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है दोस्तों। सबकी फट चुकी है और शाहरुख खान एकदम मास का बाप कर दिया है कि भाई बेटे को हाथ लगाने से पहले एक बार बाप से पूछ लो। और शाहरुख खान जिस तरह से एंट्री मारी है, सभी की फट चुकी है अगर हम कहें तो दोस्तों, गलत नहीं होगा। व्यूज़ आना ही था, हालांकि मेरे लिए कभी व्यूज़ मैंने नहीं रखते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक व्यूज़ आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइक्स यानी पब्लिक 10 सेकेंड ट्रेलर देखते ही लाइक्स का बटन दबा दे तो समझे कि गाड़ी आपकी निकल चुकी है। तो पब्लिक ने इसे लाइक कर दिया है दोस्तों, ट्रेलर को पसंद कर लिया है क्योंकि 6.5 लाख लाइक आ गए हैं 3 घंटे में। 6.5 लाख लाइक दोस्तों, आप अब बिलीव करेंगे 6.5 लाख लाइक किए गए हैं ट्रेलर को। 50 लाख व्यूज़ यूट्यूब पर सिर्फ हिंदी में, अभी ये अपडेटेड नहीं है। मुझे लगता है अगर 6.5 लाख लाइक है तो ये कम से कम 70 लाख के आसपास इसके व्यू होने चाहिए, 7 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। व्यूज़ इसके अचानक से अपडेट होंगे और 6.5 लाख लाइक है सिर्फ 3 घंटे में। मुझे लगता है कि 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा, 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलने वाला ये ट्रेलर बन जाएगा दोस्तों बॉलीवुड का, क्या पता इंडियन फिल्म का ये बन जाए। मैं तमिल तेलुगु का वर्जन वाला ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा रिस्पॉन्स मिला है ना कि जितने भी फैंस हैं, मैंने कहा था कि आप टेंशन फ्री हो जाओ, चादर टानो, सो जाओ, बार बार ट्रेलर देखो। मैंने 25 दफ़ा इस ट्रेलर को देखा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसकी ओपनिंग ऐसी लगेगी ना कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। लोग पहले सोचते थे ना कि 50 करोड़, पहले लोगों को बहुत लगता था। पठान ने 57 करोड़ की ओपनिंग ली थी ऑल इंडिया, ये ज़्यादा है 57 करोड़, लेकिन ये इतना ही पोटेंशियल नहीं है। जब पठान ने 57 करोड़ की ओपनिंग ली थी, उस वक्त बॉलीवुड की फिल्में लोग देखता नहीं था, सिनेमाघर लोग नहीं जा रहे थे। अभी लोग सिनेमाघर जाने लगे हैं, आज बहुत इजी हो गया 50 करोड़ देना, आज 70 करोड़ भी हो सकता है, 75 करोड़ भी हो सकता है, आज 500 करोड़ आराम से आ सकता है अगर आपकी फिल्म ठीक ठाक हो, बड़ी फिल्म हो तो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, लेकिन लाइफ टाइम बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर होती है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन ओपनिंग स्टार्डम पे आती है दोस्तों, और इसका ओपनिंग देखना शाहरुख खान किस तरह से दिलाते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि व्यूज़ रफ्तार के साथ आ रहे हैं, लाइक्स पब्लिक कर रही है। अगर पब्लिक किसी चीज़ को पसंद करती है तो फिर उस चीज़ को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो आप कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताएं, और देखते रहे फिफ्थ न्यूज़। जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टेक केयर।